हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम करना क्या होता है, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है। जैसे अगर मैं आपको y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी दूं, मैं बोलूं कि y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एक फंक्शन है एंड आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, तो आप क्या करोगे, वाई वन dy by dx को y1 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए dy by dx को y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, d2y by dx square को y2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है तो इसको आप याद रखिए। तो अगर आप एक बार डिफ्रेंशिएट अगर मैं कहूँ बुक करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, इसका ये होगा a cos ax plus b। ठीक है, लेकिन यहां पर बात हो रहा है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इट मींस आपको कोई एक फंक्शन दिया होगा एंड आपको क्या करना होगा, उसको लगातार डिफरेंशिएट करना होगा। कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में दिया कितना है। हो सकता है कि 10 बार, 20, 25, 50 या एन टाइम्स। एन टाइम्स बोले तो आपको एक जनरल एक्सप्रेशन निकालना होगा इसको, ताकि उसमें एन का वैल्यू कुछ भी पुट करो एंड देन आपको क्या हो जाएगा, वो पता चल जाएगा कि उस उतने नंबर ऑफ टाइम्स उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट। जैसे यही एक फंक्शन को अगर लेते हैं तो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी है। अगर मैं इसको बोलूं कि अगर आपको 10 बार डिफरेंशिएट करना हो या 3 बार डिफरेंशिएट करना हो, 4 बार डिफरेंशिएट, तो आप क्या करोगे। अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करने की बात करूं तो आप इसको क्या करोगे, जनरली डिफरेंशिएट एक बार और करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे। तो अगर आप, चलो एक बार हम भी कर ही लेते हैं, तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये हम 11-12 में पढ़े हुए हैं। तो ये हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हुआ। अगर मैं 3 बार डिफरेंशिएट करने की बात कर रहा हूं तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन, नहीं साइन का हो जाएगा कॉस ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू, एंड इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस टू इंटू पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि पाई बाई टू फिर आएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू हो जाएगा टू पाई बाई टू। इसको आप मतलब ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये पूरा थीटा का काम करेगा, थीटा प्लस पाई बाई टू तो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा। तो ये आपने सेकंड टाइम्स डिफरेंशिएट किया था। अगर मैं इसको एक बार और बोलूं 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस टू पाई बाई टू, एंड अगर आप इसको फिर लिखो ए क्यू साइन के टर्म में अगर लिखना हो तो ए क्यू ए एक्स प्लस बी प्लस टू पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, क्योंकि ये थीटा पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। एंड तो आपको क्या हो जाएगा, वाई क्यू क्यू वाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस थ्री पाई बाई टू। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक सिंपल सा फंक्शन दिया y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड आपको मैंने बोला कि 3 बार डिफरेंशिएट करो, तो आपको कितना लंबा करना पड़ रहा है। अगर मैं बोलूं 10 बार 20 बार तो क्या हो जाएगा, आपको काफी लंबा हो जाएगा ना। तो इसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आता है वाई एन इक्वल टू, आप ये एक्सप्रेशन को देखकर भी निकाल सकते हो कि देखो वाई थ्री अगर डिफरेंशिएट करना है तो ए पे पावर थ्री, अगर वाई फोर होगा तो ए पे पावर फोर, वाई एन होगा तो ए पे पावर एन। ठीक है, साइन तो साइन ही आ रहा है क्योंकि वाई थ्री में भी साइन आ रहा है, वाई टू में भी साइन आ रहा है, वाई टू कहाँ गया, हाँ वाई टू हमारे यहाँ पर, वाई टू में भी साइन आ रहा है, इट मीन साइन का तो साइन ही रहेगा। एंड ए एक्स का ए एक्स प्लस बी एंड थ्री, देखिए थ्री है तो थ्री आ रहा है, वाई टू है तो टू आ रहा है, वाई वन है तो केवल यहाँ पर वन, वन इंटू पाई बाई टू, इट मीन्स यहाँ पर एन पाई बाई टू। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला कि अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी एंड उसका अगर आपको 10, 20 कितने भी बार डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, वो n का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। 10 बार करना है तो n इक्वल टू 10, n पे पावर 10 साइन एक्स प्लस बी इंटू 10। जैसे अगर मैं इसको 10 बार डिफरेंशिएट करना है तो y 10 इक्वल टू ए पे पावर 10 एंड साइन ए एक्स प्लस बी प्लस
10 पाई बाय 2 टी हो जाएगा ए पे पावर 10 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 5 पाई। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन। तो इसी तरह हमने हमारे पास जितने भी फंक्शन है सबके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे जो भी जनरल एक्सप्रेशन मैं उसको लिखकर आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रखा है जो हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो अगर आपका कोई फंक्शन है वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एम, इस टाइप का अगर फंक्शन है तो उसका एनेट डेरिवेटिव, एनेट डेरिवेटिव इट मीन्स कि आपको एक ऐसा फंक्शन एक डिफाइन करना है जिसमें आप एन का वैल्यू कुछ भी रखो एंड आपका वो उस नंबर ऑफ डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट हो जाए। अगर वाई इक्वल टू एक्स पे पावर एम है एंड अगर आपसे पूछा जाए कि इसका 10 टाइम्स डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा, तो ये जो रिजल्ट है इसमें एन इक्वल टू 10 रखो एंड जो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा आपका एक्स इक्वल टू एम का 10 डेरिवेटिव। तो हम सारे फंक्शन का कैसे ये फॉर्मूला है ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये एक्चुअली एग्जाम में आता भी नहीं है। हमें ये याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता क्या है एंड इसको यूज कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर एक्स वाई इक्वल टू एक्स पावर एम है तो इसका फॉर्मूला ये है एंड अगर वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पे पावर एम है तो उसका फॉर्मूला होता है वाई एन एन ए डेरिवेटिव। ये इसका जनरल फॉर्मूला है एम इंटू एम एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू इंटू एम माइनस थ्री डॉट डॉट तक जाएगा एम माइनस एन प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी पे पावर एम माइनस एन इंटू ए एन। ठीक है, उसी तरह अगर आपका कोई फंक्शन है y इक्वल टू ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, अगर इस फॉर्म में अगर आपका कोई फंक्शन है तो उसका एन ए डेरिवेटिव क्या होगा, वाई एन माइनस वन पे पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए एन अपॉन ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस वन। एंड अगर आपका फंक्शन y इक्वल टू ए एक्स है y इक्वल टू ए पे पावर एम एक्स है देन उसका एन ए डेरिवेटिव क्या होगा, वाई एन एम पे पावर एन इंटू ए पे पावर एम एक्स इंटू लॉग ए पे होल पे पावर एन। एंड अगर आपका कोई लॉग का फंक्शन है वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी देन उसका एनेट डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन पे पावर एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन। अगर आप इसको इसका फॉर्मूला देखना चाहते हो कैसे ये आया तो आप देख सकते हो, इसको दो तीन बार डिफ्रेंशिएट करना एंड उसका पैटर्न देखना देन आपको ये मिल जाएगा फॉर्मूला। अगर आपका फॉर्मूला फंक्शन को ये वाई इक्वल टू ई पे पावर एम एक्स देन आपका एन डेरिवेटिव क्या होगा, एम पे पावर एन इंटू ई पे पावर एम एक्स। ये वाला हमने अभी देखा था वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी है तो उसका एन डेरिवेटिव क्या होता है, वाई एन इक्वल टू ए एन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन इंटू पाई बाई टू। एंड अगर कॉस है तो कुछ नहीं करना, बस एन की जगह कॉस हो जाएगा, बाकी एज इट इज सेम फंक्शन है। एंड ये दो और फॉर्मूला है हमारे पास, अगर हमारा फंक्शन होता है वाई इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, यहां पर था साइन ए एक्स प्लस बी एंड इसी फंक्शन में अगर ई पे पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब इसमें ई पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई में हो देन उसका एन ए डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे पावर एन बाई टू इंटू ई पे पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन इंटू टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बी क्या है ए क्या है, बस इस चीज को अगर आप ध्यान रखो क्वेश्चन में तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका फंक्शन है वाई इक्वल टू ई पे पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, दोनों में कुछ नहीं है बस साइन की जगह कॉस है तो ये वाला फॉर्मूला भी एज इट इज रहेगा, वनली साइन की जगह आपको कॉस चेंज कर देना होगा। वही देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पे पावर एन पे एन इन एन बाई टू हो गया एंड ई पे पावर ए एक्स एंड बस साइन की जगह कॉस है एज इट इज बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी अपॉन है बी अपॉन है। ठीक है, तो अगर आपको इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको ये सारे फॉर्मूले एकदम याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, केवल इस फॉर्मूला को प्रॉपर कैसे यूज करना है, कहाँ उस क्वेश्चन में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ए क्या है एंड बी क्या है देन आपको ये फॉर्मूला सिंपल पुट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही एंड अगले वीडियो से हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब तक आप इस पूरे फॉर्मूला को याद कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर